अच्छा आनंद आया, पूरे देश का नाम किया, सारे मित्रों को मेरी तरफ से बधाई दे देना, सारे सारे खिलाड़ियों को, और हमारे तो माननीय DSP हो अब आप, और क्या है। तो अभी हमारी तरफ से 1 करोड़ रुपया आपके खाते में भी डलेगा, ठीक है ना सरकार। सीएम मोहन वीडियो कॉल से देश का नाम रोशन करने वाले हॉकी खिलाड़ी विवेक सागर से बात कर रहे हैं। सीएम उन्हें देश का सम्मान बढ़ाने के लिए बधाई दे रहे हैं, तो वहीं उन्हें मध्य प्रदेश का माननीय DSP भी बता रहे हैं। विवेक सागर को बधाई देते हुए सीएम मोहन यादव ने 1 करोड़ रुपए की इनाम राशि देने की बात भी की, तो वहीं उन्होंने हॉकी की पूरी टीम को बधाई दी। बहुत अच्छा, खूब अच्छा आनंद आया, पूरे देश का नाम किया, सारे मित्रों को मेरी तरफ से बधाई दे देना, सारे सारे खिलाड़ियों को, और हमारे तो माननीय DSP हो अब आप, और क्या है। तो अभी हमारी तरफ से 1 करोड़ रुपया आपके खाते में भी डलेगा, ठीक है ना सरकार। अच्छा सरकार की ओर से, ये मध्य प्रदेश सरकार अपने गौरवशाली खिलाड़ी को इनके अपने किए गए योगदान के लिए, देश के लिए आपके हॉकी के योगदान को स्मरण करते हुए, सारे मित्रों को, आपके हरप्रीत सहित सबको बधाई देना मेरी तरफ से, सारे खिलाड़ियों को, है ना, सभी मित्रों को बधाई, बहुत बधाई। पदक जीता है, ओलंपिक में पदक जीतना ये बहुत बड़ी बात है। 52 साल बाद लगातार हमारे की हॉकी की टीम ने पुनः गौरवशाली क्षण लाए, जब दूसरी बार हम पदक जीत रहे हैं ब्रॉन्ज मेडल पे, मेरी अपनी ओर से सभी टीम को बधाई। और मध्यप्रदेश में ये आनंद दोगुना हो जाता है जब हमारा खिलाड़ी विवेक प्रसाद, यहां से विवेक सागर प्रसाद हमारा DSP है पुलिस में, पिछली बार वो जीते थे तो हमने उनको DSP के रूप में मध्य सरकार ने पदस्थ किया था, 1 करोड़ रुपया घर उस समय भी दिया था, और 1 करोड़ रुपया पुनः हम इतने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जा रहा है, मेरी अपनी ओर से सारे खिलाड़ियों को बधाई। दरअसल भारतीय हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक 2024 में शानदार प्रदर्शन करते हुए ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। गुरुवार को स्पेन के खिलाफ खेले गए मुकाबले में भारत ने 2-1 से जीत हासिल की है। टीम इंडिया की जीत के बाद उनके लिए प्राइज मनी की घोषणा की गई। ओडिशा सरकार ने प्राइज मनी घोषित की है, वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने भी 1 करोड़ की प्राइज मनी देकर बड़ी घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि विवेक सागर मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम के रहने वाले हैं। गुरुवार को जब हॉकी टीम को ब्रॉन्ज मेडल मिला था तो उनके पूरे गाँव में जश्न का माहौल था। सीएम मोहन यादव ने भी इस इनाम राशि को देकर उनका मान सम्मान बढ़ाया है। ब्यूरो रिपोर्ट MP तक।